है ऑफ, अबाउट और अगो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जो हम अक्सर जानते हैं। ऑफ का प्रयोग रिलेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, संबंध को दर्शाने के लिए। अबाउट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करें, और सेंटेंस में आए बारे में। और अगो का प्रयोग समय पहले के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑफ की, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, उसका संबंध राम से है, इसलिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही इज राम्स ब्रदर, राम अपोस्ट्रॉफी एस ब्रदर, राम का भाई। अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में मैंने आपको अपोस्ट्रॉफी एस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था, लेकिन यहां पर चूंकि हम ऑफ के बारे में समझ रहे हैं इसलिए हमने इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। वो तीन भाइयों की बहन है, शी इज द सिस्टर ऑफ थ्री ब्रदर्स। यह कुर्सी उस दुकान की है, दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। तो बेसिकली का या की का प्रयोग हुआ, भाइयों की बहन, राम का भाई, उस दुकान की, और हमने यहां पर ऑफ का प्रयोग किया। अब देखिए अबाउट के बारे में सेंटेंसेस हैं, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मेरे बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। अगर मैं कहता वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है तो मैं कहता ही इज टॉकिंग अबाउट यू। पापा मेरे बारे में जानते हैं, पापा नोज अबाउट मी, उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम। तो बारे में के लिए अबाउट का प्रयोग। और इसी तरह से अब देखिए अगो का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मैं 2 साल पहले यहां था, आई वॉज हियर 2 years ago। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम 4 days ago। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही वन द अवार्ड 36 years ago। अक्सर हम देखते हैं कि पहले के लिए बिफोर का भी यूज किया जाता है। ये तो बिफोर का यूज करने से भी सेंटेंस का सेंस सेम लगता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन अगो का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। आप कह सकते हैं मैं 2 साल पहले यहां था, आई वॉज हियर बिफोर 2 years। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम बिफोर 4 days। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही वन द अवार्ड बिफोर 36 years। लेकिन अगो कहना चूंकि बेहतर विकल्प है तो मेरा आपको सजेशन है, आप अगो का प्रयोग किया करें जब भी इस तरह का सेंस सेंटेंसेस में आए। ये प्रॉपर इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है और प्रेफर्ड इंग्लिश है।